भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हम लोगों के बड़े भाई, हम लोगों के बाद दर्शक आदरणीय श्री वाजपेयी सिंह जी, हम लोगों के बीच के उपस्थित एक बार जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। आज हमने इस हम लोग के बड़े भाई आदरणीय श्रीमान राम जी की साथ जी उपस्थित है। उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आप आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मनीष शुक्ला जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान उपाध्याय जी, श्रीमती जी, श्रीमान एक माला, श्रीमान राजनाथ से निवेदन करूंगा। श्रीमान श्रीमानी प्रदीप जायसवाल जी, आप भी अपने क्षेत्रीय मंत्री जी का कल्याण स्वागत करें। प्रदीप जायसवाल सागर नगर के मंडल उपाध्यक्ष, सागर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्रीमानी प्रदीप जायसवाल जी, श्रीमान आप सभी लोगों ने निवेदन है कि अपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। अपने इस कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमान राम जी का जोरदार स्वागत। हम सभी सुदहन की धरती पर अपने काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय राम प्रसाद जी का पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान जगदीश पांडे जी आ गया है कि आपके माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का मदीन शुक्ला जी आई जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हम लोगों के बड़े भाई श्रीमान रमेश चौरसिया जो आईटी सेल के अपने इस विधानसभा के इस क्षेत्र के संयोजक है, श्रीमान जितेंद्र सिंह किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, बीच में अपने सोशल मीडिया के संयोजक आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने सभी ही देवभूमि कार्यकर्ता जो अपने बूथ अध्यक्ष बूथ के समिति के मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। जितेंद्र पांडे जी से आग्रह करते हैं माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री शेषांक शेषांक जी से निवेदन है कि आप भी जाए और आपके माननीय मुख्य अतिथि का मजार का स्वागत करें। आप मनोज पांडे जी नगर अध्यक्ष, मनोज पांडे जी नगर अध्यक्ष, अमित त्रिपाठी जी आप भी अपने मुख्य अतिथि का मल्यार्पण का स्वागत करें। काशी क्षेत्र क्षेत्रीय मंत्री श्री मानराम निकाल दिया, मैं मित्रों पर से क्षमा चाहता हूँ। मल्यार्पण का समाप्त करते हुए चीजों बाइक रैली जी श्री श्री देव यादव श्री सत्यनारायण माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम कहते हैं हम कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती जी राम के साथ साथ देना है और कितने कार्यकर्ता यहाँ आए हमारे मंडल के जिले के सबका यहाँ सम्मान है, उनका स्वागत है, बंदर है, अभिनंदन आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज स्पीकर विजय शंकर मुरैनी में मैं सीधे हमारे भाई हमारे भाई जायसवाल जी उपस्थित है। दो मिनट में हम चाहेंगे कि आप भी अपने रखें। एक बार पहले हमने आप लोग से बोली भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा
इस बाइक रैली का आयोजन किया गया है जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एक समय भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास की योजनाएं गरीब किसान और मजदूरों के लिए इस देश ने दिया है उसको बताने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि आने वाले लोकसभा के 2019 के चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो हम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि आप हम अपने मनोबलों को बढ़ाते हुए इस चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में पड़ेगी और यह भारत विकास का परस्पर तीसरी दिन बनने जा रहा है और इस आशा की कड़ी में नंबर वन का देश बनेगा। आप हमें किसान लौटी करें अपने बात करिए और आपने अभी देखा होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसमें इस 70 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जिसका परिणाम हो गया कि वहां की सेना वहां का प्रधानमंत्री भारत के सामने नाक लगाकर धोते पेट याचना और दुआ करने लगा कि आप हमें हम शांति से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम आपके सारे सवालों को आने के लिए तैयार हैं। तो हमें ऐसे सशक्त और सबल प्रधानमंत्री की आवश्यकता है और मोदी जी के नेतृत्व में हमें दोबारा बताने वाली इसी संकल्प के साथ यहाँ बाइक रैली का शुभारंभ किया जाएगा। मैं आगे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। वक्ताओं की कड़ी में मैं चाहता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि हमारे नौजवान साथी श्री मणिभूमि बाजी जो कि भारतीय जनता पार्टी के हृदय प्रवक्ता है और इस जनपद से एक गरिमा है, इनका एक सम्मान है प्रदेश में। आज इनकी उपस्थिति हम लोगों के बीच में हुई है या हमारे लिए एक गरिमा और सम्मान का विषय है। हम चाहते हैं कि मणिभूमि बाजी आए और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में स्वस्थ करने का काम करेगी। पांडे जी नगर पालिका के चेयरमैन श्री दिलीप जयपाल जी, यहाँ के जनरल अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नितिन पांडे जी और तमाम विधानसभा के ज्येष्ठ कार्यकर्ता होते हैं। आज हमारे देश में विधानसभा से विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बाइक रैली का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मध्यप्रदेश में कर रहे हैं। आज जब हम आपके यहाँ सागर विधानसभा के लोग एकत्रित हुए हैं इस बाइक रैली को सफल कराने के लिए, निश्चित रूप से आज हमारे देश में उत्साह उमंग का अवसर है क्योंकि आज एक नया हिंदुस्तान आकार ले रहा है, रूप ले रहा है। आज वो हिंदुस्तान आकार ले रहा है जो पुलवामा जैसे कायराना हमले का बदला लेते हुए 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मारता भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी के दहाड़ के बाद को 59 घंटे में एक छोड़ने के लिए मजबूर होता है पाकिस्तान। आज वो भारत आकार ले रहा है, वो नया हिंदुस्तान आकार ले रहा है। निश्चित रूप से जब हम आप यहाँ खड़े हैं तो हम
हमारा मुर्दाबाद अभिनंदन भी स्वदेश वापस आ चुका है और निश्चित रूप से आज एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास भी कर रही है और युवा देश की रक्षा भी कर रही है। आज नौजवान किसान महिला सबकी विकास की चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, किसानों को समर्पित सरकार है, नौजवानों को समर्पित सरकार है। जब हम ये तीनों बात कहते हैं तो हमारे पास कहने का आधार है क्योंकि ये बातें तो 70 साल से लोग कहते आए लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कल्पना थी कि हमारा देश शाहिबानी हो, शौर्यवान हो, विश्व में हमारे देश की हलक हो। और आपने देखा एक बार नहीं कई बार देखा कि जिस हिंदुस्तान को नोटिस भी नहीं दिया जाता था हमारी सरकार जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रूस हो, तमाम जो शक्तिशाली देश कहे जाते थे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे मंत्रियों को नोटिस दे देते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार सपना था कि जो गरीब है उसके छत पे भी उसके सर पे भी पक्की छत होनी चाहिए, उसके घर में भी एक शौचालय होना चाहिए, उसके घर में भी बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, उसके घर में भी गैस का कनेक्शन होना चाहिए और उसका खर्चा भी आयुष्मान के तहत 5 लाख का बीमा भी होना चाहिए। और जब हम आज खड़े हैं आज हमारी सरकार के लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं अगर हम आंकड़ों में देखें तो केवल उत्तर प्रदेश में हमने 22 लाख आवास बनाए हैं, शहरी आवास और ग्रामीण इलाकों में आवास बनाए हैं। 1 करोड़ बिजली का कनेक्शन 23 माह में हमने दिया है जिसमें 75 लाख कनेक्शन निःशुल्क दिया है। हमने आज चीनी और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। तो तमाम क्षेत्र है जहाँ देश और प्रदेश प्रगति के राह पर चल रहा है। इन परिस्थितियों में आज देश की गरीब जनता, देश की स्वाभिमानी जनता ने मन बना लिया है कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। आखिर गरीबों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों है राजनीतिक दल? आखिर देश को साधन मिले, देश की सेना को हथियार मिले, देश की सेना को सुसज्जित विमान मिले, इसके खिलाफ क्यों है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है मित्रों। निश्चित रूप से ये वो शक्तियां हैं जो देश को कमजोर देखना चाहती थी। आज अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारे अभिनंदन को ये कठिनाई नहीं चली बल्कि जो उसने झेला है। हमने MiG-21 से आज F-16 गिराया है, ये इच्छा शक्ति थी जिससे हमने MiG-21 से F-16 गिराया है। अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारे अभिनंदन को ये समस्या ना आती। रोज आप देखते होंगे हर 2-3 महीने में MiG-21 गिरता है लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी इस देश में सेना सुसज्जित हो, मजबूत हो। आज उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण है कि आप राफेल का विरोध करते हैं, आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए? क्योंकि इससे फायदा केवल दो देश को है, चीन को है और पाकिस्तान को है। अगर राफेल नहीं आता है, हमारी वायुसेना कमजोर होती है, हमारी सेना कमजोर होती है तो फायदा चीन और पाकिस्तान को होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि गरीब के घर में भी शौचालय है तो राहुल जी विलेसी और मायावती जी को तकलीफ होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि गरीब के घर में भी गैस का सिलेंडर हो, गैस का कनेक्शन हो, जो पूरी माँ 300-350 सिगरेट का धुआं बिना वजह अपने फेफड़े में लेती थी को फूलना लेना पड़े तो इस पर तकलीफ राहुल गांधी जी अखिलेश और मायावती जी को क्यों होती है? इस पर सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आजादी के 70 साल बाद भी इस उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कनेक्शन 23 महीने में देने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है इतने लोगों के पास कनेक्शन नहीं था। आखिर अगर उनके घर में गरीब के घर में उजाला जा रहा है तो राहुल गांधी जी, अखिलेश जी और मायावती जी को इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? अगर गरीब को भी 5 लाख रुपए का जीवन स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है तो राहुल जी और अखिलेश जी और मायावती जी को तकलीफ क्यों हो रही है? ये सवाल है, ये सवाल आप लोग चौराहे चट्टी
क्या हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं हुआ था 70 सालों में, और हमने 5 साल में किया है, एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड 4.5 साल में कितने क्षेत्रों में अद्भुत काम हुए, अकल्पनीय कार्य हुए, जो कई कई रिकॉर्ड तो 70 साल का 70 साल हमारा 60 महीने अगर जोड़ेंगे तो कई क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं 70 सालों में, 6 महीने 60 महीने में। ये सवाल है, ये सवाल लेकर जाना है, और आज ये बाइक रैली तय कर देगी। जितने पूर्व अध्यक्ष आए होंगे, मेरा उनसे निवेदन है, अपने अपने बूथ पर 51% की लड़ाई लड़िए। आप किसी अपने अपने बूथ पर 51% की लड़ाई लड़के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दिलवाएंगे, तो चाहे सामने जो भी गठबंधन हो, ये जो बंदूक और संदूक का गठबंधन है मायावती और अखिलेश जी का, मित्रों बंदूक और संदूक से समझे, बंदूक मतलब अखिलेश जी, संदूक मतलब मायावती जी। बंदूक और संदूक का गठबंधन चाहो, चाहे भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस हो, ये तीनों एक साथ अगर आ जाए तो भी आपके 51% के आगे नहीं टिक पाएंगे। यही एक मूल मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, सभी बूथों पर 51% वोट मिले, इसके लिए हमको आपको काम करना है। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए पद पर जाकर देश की गरीब जनता, देश के जवान और किसानों की जो भलाई के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उसको आगे बढ़ाना है। अभी आपने देखा होगा 2 एकड़ से कम के जो किसान हैं उनको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, करीब 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करेगी केंद्र की सरकार। पहले की सरकारें क्या करती थी, लोन माफ करती थी, 10 साल में एक बार लोन माफ करती थी 50,000 करोड़ का, और हम हर साल 75,000 करोड़ दे दे के गरीब किसानों के खाते में देंगे। इस पे सवाल लोग खड़ा कर रहे थे, मेरा आपसे सवाल है, जिनके पास 2 एकड़ से कम की भूमि है, आय का कोई और साधन नहीं है, उनके लिए वो 6,000 रुपया कितना मायने रखता उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जुताई भी कर लेंगे, बुआई भी कर लेंगे। तो मेरा एक बार निवेदन है, आने वाले चुनाव में 51% हमारे आगे हम मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। और देश में सारी गरीब जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, गरीब के बेटे के साथ खड़ी है, चाय वाले बेटे के साथ खड़ी है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाली को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नगर मंडल शाहगंज के सभी बूथों से यहाँ पर बाइकर्स अपनी बाइक लेकर के आए हुए हैं, जो कि विधानसभा के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा गाँव, सीधा गुटहान, सागर, हर जगह पर यह रैली निकलेगी और एक जन संदेश पूरे विधानसभा में जाएगा कि अब की बार फिर मोदी सरकार, दो पुनः मोदी सरकार बनाइए और इस देश को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग आज पूरे जोश खरोश के साथ विजय संकल्प बाइक रैली के लिए गुटहान के इस विशाल मैदान पर आप देख रहे होंगे कि अपार जनसमूह, अपार बाइक लेकर लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साह में यहां पर उपस्थित हुए हैं और यह विजय संकल्प रैली गुटहान से निकलकर विधानसभा शाहगंज में जिस तरीके से पूरे देश में आज विजय संकल्प रैली निकाली जा रही है, उसी के तहत जौनपुर जनपद के विधानसभा 365 शाहगंज के गुटहान में हम सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं और सभी मंडलों में, जैसा कि यहाँ 4 मंडल हैं, सभी मंडलों से होते हुए विभिन्न मार्गों के माध्यम से आज यह जन संदेश हम लोग देंगे कि किस तरीके से 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके नेतृत्व में हम सभी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और यह अपार कार्यकर्ताओं की भीड़ इस उत्साह का या एक हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है कि हम सभी लोग आज यहाँ से शुरू करके और फिर पट्टी नरेंद्रपुर में इस रैली को समाप्त करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
पीछे रह गया।